किसान जथेबंदियों के वालों कहा गया कि 26 जनवरी को दिल्ली के वड्डी गिनती च ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा, जिसके चलते पंजाब के वख-वख जिलों तो ट्रैक्टर ट्रालियां दिल्ली ट्रैक्टर मार्च के हिस्सा लैन पहुँच रही। उते ही अमृतसर तरन तारण हरीके तो वड्डा ट्रैक्टर ट्रालियां का काफिला दिल्ली में रवाना होया। यह ट्रैक्टर ट्रालियां की गिनती लगभग 1500 के करीब सी। देखो अमृतसर तो पत्रकार मुकेश मेहरा की पूरी रिपोर्ट। मैं किसान मजदूर संगठन कमेटी पंजाब खडूर साहब का जून प्रधान मियाँ विंड अज तरन तारण जिला वा साड़ी अज वारी अही 1500 के लागे ट्राली जी लेके दिल्ली मोर्चे जा रहे हैं, जिड़ी 26 जनवरी परेड च अही हिस्सा लेना वा। कोस जे साढ़े 10 जून वा हरीकिया तो मार्च होया, इतने 3 जून मैं अपने तरन तारण जिले से लेके आया वा। बाकी वड्डा काफला जो मैं देख लिया आ अमृतसर के जून वा 2 आए, वेखो किन्नी ट्राली आई आ। मेरी ट्राली जी 250-300 ट्राली मेरी 3 जूनों की आ। अं तो सोच के बैठे हाँ शायद 200-300 ट्राली होवे, पर मैनू याद आ वा जलंधर तक 700-800 साड़ी ट्राली हो जानी आ। जो साडा काफला हरीकों वाला मिल पाया अं 2000 ट्राली ला के चले जाना वा, तो लखां की गिनती दे विच अं जा रहे हैं। इस करके जा रहे हैं जिहड़ी 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करनी है उस हिस्सा लेना वा। जिहड़ा मोदी काले कानून वापस नहीं लैन दिया, अं मोदी अजे कहने मोदी साहब तू साडा प्रधानमंत्री आ, साडे भारत का प्रधानमंत्री आ, तू अबानी डानी हुणां दा प्रधानमंत्री नहीं आ। जिहड़ी अं 26 तरीक नूं परेड करनी आ उह बिल्कुल अं शांतमई करांगे, और प्रधानमंत्री नूं अबानी डानी नाल कहो याद कराउण वास्ते जाण दे आ। जिन्ने चिर काले कानून वापस नहीं होंदे उन्ने चिर साडे धरने उत्थे दिल्ली चलते रहनगे। इस तरह काफले साडे वड्डे जिहड़े आ उह जांदे रहणगे। आ थोड़ी ठंड उड लैण दो, लखां दी गिनती दे विच बीबियां वी अं दिल्ली जिहड़ियां धरनियां दे विच खड़ांगे। केंद्र वालों वड्डी चोटी का जोर लाया जा रहा ट्रैक्टर परेड में जोड़ा है वा ना हो दिता जाए दिल्ली के, की कहना चाहोगे ये बारे, किस तरह का जोश है फिर जो जिते जा रहे हैं? वेखो जी जो अं दिल्ली का ऐलान किया भी अं दिल्ली जाना वा, उदों हरियाणे सरकार ने रोकया भी अं दिल्ली नहीं बन देना। मोदी भी आंदा मैं दिल्ली नहीं बन देना, वो वेख लो अं फिर भी दिल्ली गए हाँ, हूँ भी अं दिल्ली परेड करांगे। हाँ साड़ी सरकार साडा देश वा, अं कोई नुकसान नहीं करा, शांतमई अं जो वा उस ट्रैक्टर फड़ा, कोई अं नुकसान नहीं करा। अपनी प्रॉपर्टी है साड़ी, कोई ये नहीं मोदी की प्रॉपर्टी नहीं गी, साडे भारत की प्रॉपर्टी आ। परेड करा चाहे शांतमई कर लेंदे ना, चाहे साढ़े इन्होंने 70-80 सिर अगे भी ले आ, हूँ भी अं तैयार वा। मोहरियों के अपना सिर देवे, खून देना पैया देवे, हजारों की गिनती जा साडा खून लै लैना। तो मैं मोदी जी ने यह दसना चाहता, मोदी सानू परेड का जरा कोई शौक नहीं गा, पर अं आने जे काले कानून वा उन्होंने वापस लै जा। कह सकते हैं कि सरकार वालों जो रोकों का अलग अलग जो प्रोपोगंडा तैयार किया जा रहा, जो हूँ तक मीडिया से खबर नशर हो रही अनुसार के वक् वक् रोक है वा अलग अलग जगह तो कीतिया जा रही, जिद कारण कह सकते हैं कि किसान जथेबंदियों के वक् वक् जिटिया भी इकाइया है उन्होंने वालों जत्थे हूँ तो ही रवाना हो रहे हैं। तो किस तरह का कह सकते हो कि जेकर कोई रोक है या फिर सरकार कोई सख्त रुख अपना फिर की किस तरह का प्लान है फिलहाल किसान? जिन्नी सरकार रोक लाऊना किडिया भी सख्त सख्त लाऊगी अं रोक जीडिया पुटांगे, शांतमई पुटांगे। हाँ रोक पुटद जी दिल्ली पुलिस वा या आर्मी आ साडे तो कोई लाठीचार्ज करती आ, गोलियां भरा अं बिल्कुल लाठीचार्ज का जवाब नहीं देंगे। शांतमई अपने लक ते लाठीचार्ज सवेंगे, छाती गोलियां भी सवेंगे, क्योंकि गोलियां मारन वाले साडे पुत भतीजे आ, साडे माँ प्यो आ, जिहड़े फौज आ जिहड़े दिल्ली पुलिस आ साडे आ, बगाने नहीं गे अं। हाँ ठीक उन्हां दी ड्यूटी आ, बनती ड्यूटी उन्हां दा हुक्म मनना वा, पर अं अपनी छाती ते निभावांगे। जिहड़ा हुण तक दी मीडिया च खबरां नशर हो रहियां उहदे अनुसार के वक् वक् रोक है वा अलग अलग जगह तो कीतिया जा रही, जिद कारण कह सकते हैं कि किसान जथेबंदियों के वक् वक् जिटिया भी इकाइया है उन्होंने वालों जत्थे हूँ तो ही रवाना हो रहे हैं। तो किस तरह का कह सकते हो कि जेकर कोई रोक है या फिर सरकार कोई सख्त रुख अपना फिर की किस तरह का प्लान है फिलहाल किसान? जिन्नी सरकार रोक लाऊना किडिया भी सख्त सख्त लाऊगी अं रोक जी पुटांगे, शांतमई पुटांगे। हाँ रोक पुटद जी दिल्ली पुलिस वा या आर्मी आ साडे तो कोई लाठीचार्ज करती आ, गोलियां भरा अं बिल्कुल लाठीचार्ज का जवाब नहीं देंगे। शांतमई अपने लक ते लाठीचार्ज सवेंगे, छाती गोलियां भी सवेंगे, क्योंकि गोलियां मारन वाले साडे पुत भतीजे आ, साडे माँ प्यो आ, जिहड़े फौज आ जिहड़े दिल्ली पुलिस आ साडे आ, बगाने नहीं गे अं। हाँ ठीक उन्हां दी ड्यूटी आ, बनती ड्यूटी उन्हां दा हुक्म मनना वा, पर अं अपनी छाती ते निभावांगे। पिंड काले गए जत्था जा रहा मुड़ तो वड्डी गिणती दे विच की कहना चाहूंगा? देखो अं तो मोदी साहब नूं अजे भी अपील ही करते हैं
कि अजे भी जिहड़े जिहड़े तीन काले कानून जिहड़े आ ना वो अपने वापस लै लैण, क्योंकि जिहड़ा दुनिया दे विच आक्रोश बहुत ज़्यादा वा ते इह जिहड़ा आक्रोश आ रोज़ दिन ब दिन जिहड़ा उह वधदा जा रिहा वा। अही तां प्रधानमंत्री ने साडे अही वोटां पा के उन्हां नूं बणाया आ, अही तां उन्हां नूं बेनती करदे आ कि तुसीं अपने जिहड़े काले कानून आ इन्हां नूं वापस कीता जावे, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਜੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤਰੀਕ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੀ ਉਂਟਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇਣ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ।